आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। लालागुड़ा सिकंदराबाद में एक शख्स बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया। बरामंडा का रहने वाला अफसर को नामालूम अफराद ने हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस कत्ल के मुकाम पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अफसर जो 2017 के कत्ल में मुलजिम था, हाल ही में जेल से रवाना हुआ था। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। नकली फेसबुक लड़की के नाम से बनाकर धोखा देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने 35 लाख रुपए का धोखा दिया है मैट्रिमोनियल फ्रॉड का। इसमें अक्यूज्ड का नाम है अशोक, वो न्यूजवीड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला है। उसको बुरी आदतें हो गई थी बीटेक फेल होने के बाद। फेसबुक में देखकर इसको और आगे कुछ काम नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो फेसबुक में देखकर उसको आइडिया आया कि मैं क्यों ना एक फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाकर सबको चीटिंग करूं। तो एक औरत के रूप में इसने एक फेसबुक का फेक आईडी क्रिएट किया। इसका नाम है इंदुषा तुम्मला, और एक औरत के रूप में इसने बात करना शुरू किया दूसरों से। और जो मेल्स थे उसमें, इससे थोड़े लोग अट्रैक्ट होने लगे, और उसमें एक अट्रैक्ट होने वाला है प्रवीण कुमार जुबली हिल्स का। तो दोनों में प्यार जैसा हो गया। ये उसको वो प्रवीण को नहीं मालूम कि ये आदमी है, औरत नहीं। और औरत ये जो भी बात करता था वॉइस चेंजिंग ऐप के माध्यम से, इसको इसका औरत के रूप में इसका आवाज़ आता था। तो पहली बार उसको उसने पूरा ये बताया कि मुझे कॉलेज फीस भरना है, तो 3 लाख लिया। फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड में उसने कहा कि मेरे माँ को कोविड हुआ है, तो उसे 10 लाख ट्रीटमेंट के लिए उसने खींचा है इससे। फिर नेक्स्ट वेव ऑफ कोविड में इसको ये बताया कि मुझको कोविड आया है, 15 लाख फिर लिया। तो ऐसे करते करते उसको पूरी तरीके से उसको उसको बिलीव करा के 45 लाख का उसका चीटिंग हुआ है। उसको जब पता लगा कि इतना पैसा गया है, कुछ उसको डाउट आया और आकर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। तो इसका केस इन्वेस्टिगेशन फिर से हमारा साइबर क्राइम जॉइंट सीपी भोपाल, एडिशनल डीसीपी स्नेहा, एसीपी प्रसाद, एसआई मदन और इंस्पेक्टर राम रेड्डी, ये केस में राम रेड्डी महेश, ये दोनों इंस्पेक्टर दोनों केसेस में काफ़ी मेहनत किए हैं और बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किए हैं। मैं पब्लिक से यही अपील करता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो साइबर क्राइम्स हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप किसी भी ये गलत ऐप्स में, शादी का ऐप हो या फेसबुक का हो या मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स हो, लोन्स लेना लोन ऐप्स हो, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हो, इसमें कोई ना जाए, क्योंकि इसके द्वारा आपको बहुत नुकसान होने वाली है और चीटर्स बहुत हैं। सब लोग बैठ के आपके जो भी पैसे हैं अकाउंट्स को खाली करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।